इलीगल इमिग्रेंट्स म्यांमार से कितना लोग है बोल के हमने सर्वे किया क्योंकि म्यांमार का जो अभी का जो हो रहा है उसी वजह से जो दर से भागा हुआ है जीने के लिए तो हमने उसको अपने होम मिनिस्ट्री से बात करके उसको अच्छी तरह से शेल्टर होम बना के रखे और म्यांमार uh, का जो uh, गंडगोल है उसको खत्म करके वापस भेजे तो ऐसा करके हमने फिंगरप्रिंट लेना और आई स्कैन करना आईडी आइडि, आइडेंटिटी कार्ड बनाना तो शुरू किया तो सर उसी के लिए हमने एक सब कमेटी बनाया है कैबिनेट सब कमेटी तो कैबिनेट सब कमेटी में अपने आ, कुकी ब्रदर्स लोग भाई लोग का एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने लेटाव हकीब को हमने चेयरमैन बनाया क्योंकि पुराना कुकी को शोर के जो नया जो इमिग्रेन इलीगल है उसी को ही सिर्फ मतलब फाइंड आउट करना था उसी को ही अलग से रखना था बाकी कुछ भी नहीं था तो इसीलिए हमने जो पुराना लैपटॉप को की, जो है पुराना अपने मणिपुर का इंडिया का सिटीजन है मणिपुर का यहाँ में पैदा हुआ है तो उसी को हम लोग ने इमीडिएटली वन वीक्स सर्वे किया गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ डीसी थे रेवेन्यू सेक्रेटरी वगैरह सब कमेटी बनाया तो वो कैबिनेट सब कमेटी में लेपाओ हाकिब जी को हमने कैबिनेट का सब कमेटी का चेयरमैन बनाया एक नागा डाला अवांग बहु में ऑनरेबल मिनिस्टर एक मैतई डाला क्योंकि मेजर कम्युनिटी मणिपुर में है ये तीन है तो ये तीनों करके सर्वे जब शुरू हो गया तो फर्स्ट इंस्टेंट में 2187 इलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से जो भगा हुआ है वो मिला तो वो मिला तो हम लोग ने बात करके वो लोग को अच्छी तरह से घर बना के उसको सेल्टर करके बायोग बायोमेट्रिक वगैरह लेके रखना था उसी प्रोसेस में हम और थोड़ा बस्ती भी मिला बस्ती थोड़ा बसा के बस्ती हो आ, बन गया था वो हाँ पूरा इलीगल लोग तो उसी लोग को हम लोग ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो इसका साथ साथ ये हिस्टोरी आ गया तो फिर ये क्राइसिस आ गया तो ये उसी के साथ ये क्राइसिस रिलेशन है रिलेशन नहीं है वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कमिटीज पता चलेगा लेकिन ऑफ हैंड हम उसके साथ लिंक है मेरा तरफ से नहीं बोल सकते अभी तो सर आ, राहुल गांधी जो है इस जो हालात इसके लिए मणिपुर के दौरे में आए थे वो गवर्नर से भी मिले क्या कहना चाहेंगे उनके मणिपुर के दौरे के बारे में देखिए किसी स्टेट में और किसी जगह में दुखना ये कुछ क्राइसिस हुआ है और किसी नेता का और कोई आ, किसी आदमी का आना वो इसमें हम लोग रोक लो नहीं लगा सकते लेकिन इसी टाइम में टाइमिंग जो है चालीस दिन हो गया पहले क्यों नहीं आता और आ गया तो किसी रूप में आ रहा है मेरे को ये सवाल था कांग्रेस का नेता तो है ही है लेकिन किसी रूप में आ रहा है किसी रूम में आ रहा है और गवर्नमेंट को मेरे को ये गवर्नमेंट का हमसे स्टेट सी से मिलने का और लोग से मिलने का ना रिक्वेस्ट थे ना कुछ थे गवर्नर तो हाँ हर एक्सलेंसी गवर्नर को तो मिला है लेकिन उसने जो आया है ना ये टाइमिंग मेरे को ठीक नहीं लगता क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा कुछ लेके आया हुआ लगता है उस दिन वो आया क्या घटना नहीं हुआ बाजार में देखो क्या क्या सिटी के अंदर में इतना हंगामा चलाया और बीजेपी के ऑफिस को अटैक किया नंबोल में अटैक किया थौबाल में अटैक किया तो सिर्फ उसके एजेंडा जो है वो मणिपुर में जो हो रहा है ये स्टेसी गड़बड़ इसी के लिए आ रहा है ना वो उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए आ रहा है ना ज्यादा हम तो उसको पॉलिटिकली आया हुआ लगता है इसलिए मेरे को टाइमिंग एंड द सिचुएशन ठीक टाइम पे नहीं आया तो ये मेरे को आई डोंट सपोर्ट उसका जो है तरीका जो है मेरे को अच्छा नहीं लगता विपक्ष दल लगातार आप पर आरोप लगा रहे अटैक कर रहे कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने में आप असक्षम uh, हो रहे हैं आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात को किस तरह से देखते हैं जो मणिपुर का अभी जो हो रहा है ना इसको लॉ एंड ऑर्डर से जो देखा ना वो गलत है उसी लिए तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है ये डीप रूटेड प्रॉब्लम से आज ही नहीं इसको जो जैसे जो हमको एलिगेशन लगा रहा है उसी में से जैसे कांग्रेस वो लोग का ये क्या बोलता है लगाया हुआ पौधा का फ्रूट्स हम अभी खा रहे लोग ने लगाया है ये पॉइजन का फ्रूट्स हम लोग खा रहे हैं अभी अपने मणिपुरी लोग अपने भाजपा के टाइम पे खा रहे हैं गलती किसका है दुनिया जानता है मीडिया में चला गया सब कुछ ये जो होमलैंड वगैरह का सेपरेट वगैरह का कर रहा है ये नया दिमा नहीं है ओलो के टाइम पे किया हुआ है कांग्रेस के टाइम ओलो के टाइम पे ही किया हुआ है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक कुकी मिलिटेंस ये कुकी मिलिटेंस लोग ना इंडियन आर्मी से मारता है एम्बुस करता है फाइट करता है नहीं करते ना मणिपुर गवर्नमेंट से फाइट करता है मणिपुर के पुलिस फोर्स से फाइट करता है नहीं करते तो कि, तो क्या है आ, पिस रक, आ, तो करने का, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट में है इंडियन आर्मी को मारता है मणिपुर आर्मी सिपो को मारता है तो पीस तो के लिए वी कैन ऑफर लेकिन ये कुकी मिलिटेंट उसी टाइम पे जो है तो सिर्फ नागा और मै, कुकी के बीच में जो इतनी क्लास था दो तीन साल चला काफी नुकसान पड़ा नागा ब्रदर को भी काफी डेथ हुआ है कुकी ब्रदर को भी काफी डेढ़ हुआ है उसी वजह से एक कुकी के मिलिटेंट को खड़ा किया था तो ये ऐसा ही एक जो इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइन नहीं करता है मणिपुर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फाइन नहीं करता ऐसे को क्यों पटाई टोक किया उसको उसी टाइम ही नागा लोग से या नगा मिले इंसर्जेंट लोग से या पब्लिक सेफ करने के लिए वो लोग को कोई जैसे लाइसेंस गन हो या पुलिस ने वो लोग को सेफ जगह में रख के वो लोग को डिसम कर सकता था क्यों पीस टॉक करके इतना क्यों भराया इतना फ्री रिक्रूटमेंट कराया फ्री आर्म प्रोसेसिंग कराया रिक्रूटमेंट कराया तो ऐसा क्यों किया ये लोग ने शुरू तो किया ना और शुरू करने के बाद में इसको लाइन एक सिस्टम नहीं रखा इंटरलोकोटर डाल के एज पर द रूल्स टू थाउजेंड में फिर ट्राइपेटा टोक किया गवर्नमेंट के साथ तो 2008 में जो ट्राइपेटाइट किया है उसी टाइम में ग्राउंड रूल्स बनाना है और ग्राउंड रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए एक बातचीत शुरू करने के लिए इंटरलोक्यूटर डालना है वो इंटरलोकूटर भी नहीं डाला सिर्फ अपने गवर्नमेंट आने के बाद सत्रह में अठारह में इंटरलोकूटर डाल के इसका डू एंड डॉन्स को काम शुरू किया तो ऐसा करके पूरा देखो टू थाउजेंड फाइव से टू थाउजेंड फाइव से एट एट से एटीन तक मीन्स दस साल ना दस तेरह साल पूरा फ्री शोर के रखा आगे विदाउट कंट्रोलिंग तो इसी वजह से तो ये सब हो रहा है ना तो इसको वो लोग बोलेंगे हम हमको लॉ एंड ऑर्डर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और होमलैंड का जो बात कर रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर में ट्रीट नहीं करना ये यहाँ पे दोनों समुदाय में लड़ाई किया और गाड़ी शोर का है या लूटपाट का है वो नहीं है ये ये प्योरली पॉलिटिकली वेल प्लान एक साल है इसको एवरीवन एवरी वन हैज टू अंडरस्टैंड इट सबसे दुख की बात है कि ये पॉलिटिशियन लोग जो ऑपोजिशन में है ये इसको जाने की लिए नहीं कोशिश करता और जाने से भी नहीं जाने हुए जैसे बोलता है तो एक चीज को एक आदमी की बीमारी को जो है ना विदाउट डायग्नोसिस हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते तो अभी डायग्नोसिस अच्छे से करके ट्रीटमेंट करने से ठीक ठाक